एक इलेक्शन का दौर चल रहा है, लेकिन इस इलेक्शन के दौर के अंदर आजकल एक बहुत अजीब सा माहौल चल रहा है, जिसमें कहा जाता है कि उम्मीदवार की जाति देखकर वोट दें। तो क्या कैंडिडेट सही होना नहीं चाहिए या पार्टी सही होनी नहीं चाहिए, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप, थोड़ा उसके बारे में बताएं। देखिए, ये दो तरह की चीजें इसमें चल रही हैं। एक तो कुछ जो नए नए कार्यकर्ता हैं, नए नए नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं, या कुछ पत्रकार किस्म के लोग भी हैं, वो इस प्रकार का एक कैंपेन चलाए हुए हैं कि SC ST OBC के लोगों को SC ST OBC को ही वोट देना चाहिए जी। आज भारत में लोकतंत्र है, एक संविधान है, जाति व्यवस्था समाप्त होने की तरफ है, जाति व्यवस्था को समाप्त करने का हम आंदोलन चला रहे हैं। अगर आप इस बात को कहते हैं कि हमें सिर्फ SC ST OBC को ही वोट देना है, तो फिर आप क्या करेंगे? जो BJP के लोग हैं, जो RSS के लोग हैं, वो उसमें बहुत सारे SC ST OBC हैं, तो क्या उनको आप अपना मानेंगे? जो विभीषण का रोल निभा रहे हैं, क्या उनको आप अपना मानेंगे? सीधी सी बात है कि वो आपके अपने नहीं हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसे आप में बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो मनुवाद के गुलाम हैं, जो मनुवादियों के हथियार बने हुए हैं, इसलिए उनको अपना नहीं माना जा सकता। उसी तरीके से अगर दूसरे समाज के लोग भी अपनी मनुवादी मानसिकता को छोड़ के मानवतावादी समाज की स्थापना में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो उनको स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों को चलना पड़ेगा, और खासतौर पर राजनीति में आपको दोनों को स्थान देना पड़ेगा। अब ये सिर्फ बहुजन समाज की लड़ाई नहीं रह गई, बल्कि सर्व समाज की लड़ाई है। इसमें किसी भी जाति, किसी भी धर्म के व्यक्ति को आप वोट नहीं देते हैं, बल्कि जो अच्छा वोट कैंडिडेट है, जिसकी अच्छी विचारधारा है, उसके आधार पर आपको वोट देना चाहिए। कहीं ना कहीं इस बात को समझना पड़ेगा। खासतौर पर इसको BSP के खिलाफ इस्तेमाल करने का प्रयास किया जा रहा है कि BSP बहुत सारे गैर बहुजन समाज के लोगों को वोट देती है। आमतौर पर वो 25% वोट टिकट जो है वो उस तरह के लोगों को देती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर SC ST OBC की संख्या लगभग 75% है माइनॉरिटीज को लगा के, और जो अदर कास्ट हैं उनकी संख्या 25% है। उन 25% में वो अपने हिसाब से जहाँ जिसका जैसा प्रभाव है, उस हिसाब से टिकट देने का प्रयास पिछले कुछ समय से किया जा रहा है, क्योंकि ये एक मजबूत विकल्प है। इसलिए किस प्रकार से BSP को नुकसान पहुंचा जाए, कुछ साथियों ने इस तरह का दुष्प्रचार करने का प्रयास किया। मुझे लगता है ये एक छोटा मोटा प्रयास है, इसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव होने वाला नहीं है, क्योंकि BSP कभी भी किसी व्यक्ति की जाति देख के टिकट नहीं देती है, बल्कि उसके जीतने की क्या संभावनाएं हैं, उसका समाज में क्या योगदान है, उसके आधार पर टिकट देने का।